अंबाला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा जनता दरबार लगाया गया, जिसमें उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी। इस दरबार में ज्यादातर समस्याएं पुलिस विभाग से थी। इस जनता दरबार में अंबाला से ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिसमें अनिल विज ने कुछ समस्याओं को तो मौके पर ही निपटा दिया तो कुछ का हल निकालने के लिए संबंधित विभाग को आदेश दिए। गृह मंत्री के जनता दरबार में अधिकतर शिकायतें व समस्याएं पुलिस विभाग की कार्रवाई के खिलाफ देखने को मिली, जिसमें लोग पुलिस विभाग की कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आए। उधर गृह मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से वार्तालाप में कहा कि लोग अपनी तकलीफें व समस्याओं को लेकर जनता दरबार में आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनकी सारी समस्याओं का निपटान कर सके। उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी अपनी समस्याओं को लेकर इस दरबार में आ सकता है और वैसे भी उन्होंने जिले के SP को आदेश दे दिए हैं कि वह 12 से 1 बजे तक रोजाना लोगों की समस्याएं सुने और अगर फिर भी लोग उनसे संतुष्ट ना हो तो वे उनके जनता दरबार में आ सकते हैं। देखिए, कोई भी आदमी हमारे पास आ सकता है अपनी शिकायत लेकर। वैसे मैंने सभी जिला के SP को आदेश दिए हैं कि 12 से 1 बजे तक रोजाना वो कैंप लगाएं और लोगों की समस्याओं को सुने और अगर फिर भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो मेरे पास आ सकता है। नहीं, कहीं से भी कोई भी आदमी आ सकता है। अगर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मेरी कमिटमेंट है कि मैं सबको इंसाफ दिलाऊंगा। नहीं, और भी करते हैं सुनवाई, बाकी भी करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।